छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले की बात करेंगे, जहां पर कोरबा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां सीएसईबी चौकी के अंतर्गत दो युवकों ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी गणेश विसर्जन के दौरान कक्षा 12वीं में अध्ययनरत युवक की मामूली विवाद में चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं सीएसईबी चौकी प्रभारी ने परिजनों की शिकायत पर अपराध दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। सीएसईबी चौकी प्रभारी ने कहा कि एक आरोपी को फिलहाल पकड़ लिया गया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश लगातार की जा रही है। वो 8 और 9 के बीच में गए इस भैया मेडिकल दवाई खरीदे, फिर ओकर बाद नहीं आए। कैसे पता चले कि ओकर साथ नेशनल घटी? मुर्दे रानी ये मतलब इस मुर्दे रानी है का कोई लड़का फोन आ रही से उनके बगल वाला लड़का मन के तो ओकर ओला मार दे है सुबह हम लगे इसे में। तब पहली ओकर दोस्त आ रही से देखा नहीं रही से भैया, अब घर से बाहर में रही से इतने में नहीं जाना था, वो ड्यूटी लई से वो मेडिकल गई से बाहर में नहीं जाना था भैया, दोस्त यार नहीं रही से ओकर। क्या है बस्ती में लड़के लोग अभी के समय में जो नशा पानी जो कर रहे हैं, क्रिमिनल वाला जो केस कर रहे हैं, चोरी चंडाली कर रहे हैं, अगर पैसा वैसा कमी हो रहा है इसके कारण वहाँ पे चोरी के भी ऐसा हो रहा है, और ऊपर से भी जो घटना दो बार हो गई, गणेश का विसर्जन समय में और एक अभी नवरात्रि जो लगा है उसी समय में, उसी दिन रात को करीबन 11 बजे दुखद दुर्घटना जो हुआ है, इसका मैं बरसक निंदा करता हूँ। बस्ती में जो ऐसा ऐसा घटना होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। करीब काम करके आए हैं हम लोग दोनों तीनों जने, फिर उसके बाद हाथ पैर धो करके उन लोग मेडिकल गए हैं दवाई लेने के लिए, वहीं पर गवेल मेडिकल है सामने रोड में, वहीं पर गए हैं। फिर उसके बाद भांजा घर आ गया है और वो 10 मिनट में आ रहा हूँ बोल के रुका, फिर उसके बाद ये घटना हो गई है। कल रात को थाना रामपुर सिविल लाइन के चौकी अंतर्गत सीएसबी के अंडर में घोड़ीपारा भैंस कटाल के नहर किनारे पे एक घटना घटी थी, जिसमें एक युवक जिसका नाम शुभम साहू है उसको धारदार हथियार से वार किया गया था और जिसके उसकी मृत्यु हो गई थी। इस पर से तत्काल सीएसबी की पार्टी और थाने की जो पेट्रोलिंग पार्टी थी, और रात में ही एक आरोपी जो प्रभाकर सही से उसको गिरफ्तार किया हुआ है, और साथ में दूसरा जो आरोपी है उसके लिए पता तलाश की जा रही है, उस पर टीम लगी हुई है। इसमें अभी सीएसबी चौकी में किसी की धारा 302 34 IPC के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है, इसमें आगे की व्यवस्था की जा रही है।